question express 0.47 bar in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो इस क्वेश्चन में हमें इस नंबर को P upon Q के फॉर्म में हमें चेंज करना है. तो इसको हम टू डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे. लेट x is equal to 0.4 और इसमें 7 पे बार है. सो x इक्वल टू 0. और बार को हटाएंगे तो यह 7 बार बार रिपीट हो. तो इसको 3 टाइम लिख लेते हैं. दिस इक्वेशन इज फर्स्ट. और इसके बाद हम इस नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पॉइंट जो है पॉइंट के बाद की वैल्यू आइडेंटिकल होना चाहिए. तो पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 के बाद पॉइंट आएगा. तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10. तो 10 से मल्टीप्लाई करने से 10x इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट. दिस इक्वेशन इज सेकंड. और अब हम फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करेंगे कि इसमें जो पॉइंट के बाद 4.77 है और ये पॉइंट के बाद 7.7 है तो ये आइडेंटिकल नहीं हो रहा है. तो हम इन दोनों में माइनस नहीं करेंगे सेकंड में फर्स्ट. और अब हम इस इक्वेशन टू को अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10. सो वी गेट तो ये होगा 10x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 100x. और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 47.777 डॉट डॉट. एंड दिस इक्वेशन इज थर्ड. तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में जो नंबर जो दिया है उसके पॉइंट के बाद के जो वैल्यू है वो तो हम थर्ड में सेकेंड को लेस करेंगे. थर्ड माइनस सेकेंड सो वी गेट ये होगा 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.777 डॉट माइनस 4.777 डॉट डॉट. इम्प्लाइज दैट ये होगा 90x इक्वल टू और इसमें माइनस करेंगे तो ये 43. सो देयरफॉर x इक्वल टू 43/90 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. सेकेंड मेथड. तो सेकेंड मेथड में भी हम पहले इसको लेट लेंगे. लेट x इज इक्वल टू 0.47 पे बार. और अगर हम इसमें बार को हटाएंगे तो ये होगा 0.4777. ये रिपीट होता जाएगा बट हम इसमें 3 टाइम लिखा है मैंने. सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट. और अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट होगा 4 और 7 के बीच. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. सो वी गेट तो ये होगा 10x इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट. तो अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन और इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो पॉइंट के बाद के जो वैल्यू है वो डिफरेंट है. तो हमें इसको अगेन मल्टीप्लाई करना. तो सपोज इसको इक्वेशन टू लेते हैं. नाउ अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. तो ये होगा 100x इक्वल टू और इसमें ये पॉइंट शिफ्ट होगा 7 के ओर 47.777.
डॉट पॉइंट। अब इक्वेशन सेकंड और इसमें पॉइंट के बाद के जो वैल्यू है वो आइडेंटिकल है, और अब हम इसको लिखेंगे 100x इक्वल टू 47 को हम लिख सकते हैं 43 प्लस 4.777 डॉट डॉट, और ये होगा 100x इक्वल टू 43 प्लस, और इसके जगह पे हम लिखेंगे 10x बाय इक्वेशन 2। 10x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये होगा 100x माइनस 10x इक्वल टू 43, इम्प्लाइज दैट 90x इक्वल टू 43, देयरफॉर x इक्वल टू 43 अपॉन 90, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। Thank you.